नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा NIT 86 फरीदाबाद। आज पता लगा कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी, एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है, उसके अंदर 6 दिन की पुलिस रिमांड भी मिली है। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि तकरीबन ये 200 करोड़ का घोटाला है, ढंग से जाँच होगी तो ये कई हज़ारों तक पहुँचेगा। बिना काम की पेमेंट भी है, इन्हांसमेंट का भी केस है। जिस वार्ड 14 को लेकर आज गिरफ्तारी की गई है और FIR दर्ज की गई है, 54,36,000 रुपये का एस्टीमेट जो बढ़ा के 1,97,00,000 कर दिया गया, जबकि उससे बड़ा उदाहरण 5,51,000 का एस्टीमेट था जो बढ़ा के 1,92,75,000 कर दिया गया। जैसे बाकी मामलों में सरकार की नियति चल रही है, जो मैंने FIR की कापी देखी है, FIR में नाम पड़े हैं कि छोटी मछली को वे सारी गाज डाल दो और बड़े मगरमच्छों को छोड़ दो। मैं सरकार से और विजिलेंस डिपार्टमेंट से एक बात कहना चाहूँगा, हरियाणा की करोड़ों जनता इस मामले को देख रही है, क्योंकि ये जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है। इट्स द पब्लिक मनी, इट्स द टैक्स पेयर्स मनी। और ये पैसा फरीदाबाद के विकास के लिए आया था। फरीदाबाद का विकास ना होके किन किन का विकास हो गया, राम मालिक है। इसके अंदर, इस केस के अंदर, चाहे वो बड़ा मगरमच्छ कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे बैठा हो, किसी भी रैंक का अफसर हो, सबको इंक्लूड करो। बाकी केसों में भी FIR दर्ज करो। सिर्फ एक केस के अंदर FIR दर्ज करके इसकी लीपापोती मत करिए। हरियाणा की जनता देख रही है, ये हरियाणा की जनता का पैसा है। इसके अंदर कोताही बिल्कुल ना बरते। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, चाहे विजिलेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, सारे कागज मेरे पास हैं और घर पर पूरी फाइल पड़ी है। जिस कागज की भी जरूरत हो इस केस में, नीरज शर्मा जहाँ सरकार बोलेगी, विजिलेंस डिपार्टमेंट बोलेगा, वहाँ आके वो कागज देने को तैयार हूँ। ज़्यादातर कागज मैंने विधानसभा में टेबल भी कर रखे हैं। यही बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।